सो है गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम कानाताल उत्तराखंड। और सुबह की क्या ब्यूटी है यार, मतलब कि यार मतलब मैं सोया ही नहीं है, मतलब रात में ऑफिस किया। ऑफिस करने के बाद जब सुबह मतलब 4:30 बजे सोने के लिए जा रहा था ना, तो मैं सोचा कि थोड़ी देर और वेट करते हैं, देखते हैं सनराइज जो होगा तो वो देखते हैं। सनराइज जब हुआ था ना तो थोड़ा सा धुंधला सा था, मतलब बादल थे तो इसलिए सनराइज कैप्चर नहीं किया। अदरवाइज सुबह का ना इतना प्यारा मौसम है यार, हल्की ठंडी हवा। और आशीष आ गया हमारी चाय लेके। ये विशाल को भी बुला लीजिए। विशाल तो देखो मस्त हो रहा है अभी भाई, उठ गया। और विशाल भी उठ गया है भाई साहब, क्वीन साइज बेड पे बैठे बैठे चाय मिल रहा है, और क्या चाहिए। पेट इज ए ब्लेसिंग। तो सबसे पहले चाय पीते हैं, फिर इस वेदर को दिखाते हैं, इस नज़ारे को ना, मतलब यार जितनी बार देखो ना उतनी बार कम है यार। और यहाँ पे ना लोग सुबह सुबह ना घर पे चालू जाते हैं, मतलब उनके घरों पे ना मैं देख रहा था सुबह सुबह लोग चालू थे। इतने कलरफुल घर होते हैं ना यहाँ पे, ये देखो कलरफुल घर यार, यहाँ की तो लाइफ ही अमेजिंग है। और सुबह सुबह सुरकुंडा माता मंदिर का आपको दर्शन हो जाता है, दैट इज़ द मंदिर। तो और क्या चाहिए, जय माता दी। चाय पीते हैं फटाफट से और एंजॉय करते हैं इस ब्यूटी को, इस नज़ारों को चाय के साथ। अब हम लोग सुबह सुबह उठ गए थे, तैयार भी हो गए, निकले यहाँ से। तो पास में एक ट्रेल था जो प्रॉपर्टी के साइड से जा रहा था, अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो उसमें देखा होगा। तो सोच रहे हैं जरा उस ट्रेल पे एक्चुअली एक वॉक लेकर आए मॉर्निंग की, और देखते हैं उसके आगे क्या नज़ारे हैं उस वॉक के, उस ट्रेल से, उस पॉइंट से। एक्चुअली इस ट्रेल से जाके उस पॉइंट पे जाके देखते हैं कि क्या नज़ारे हैं वहाँ की। प्रॉपर्टी तो ये है, तो ये है वो पॉइंट, चल के देखते हैं। तो यहाँ से कुछ ऐसा सा नज़ारा था कि आप इस एज पे आओ, अगर आपको कैंपिंग करनी है अपना कैंपिंग भी लगा सकते हो इस जगह पे, कैंप लगा लो, उनसे परमिशन ले लो, यहाँ पे कैंप लगा लो। और क्या व्यू होगा ना इस व्यू में कैंपिंग करना, अमेजिंग यार, मतलब मज़ा ही आ जाएगा, बहुत ही मज़ा। बाकी अब चलते हैं वापस। हो रहा आशीष, वो भी तैयार हो गया नहा धो के, तो फटाफट से निकलते हैं और चलते हैं वापस। चलो चलो चलो, कितनी क्यूटी पाई। मस्त। अभी हमने अपना ब्रेकफास्ट निपटाया है, मतलब हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया था, क्योंकि ना सोचा कि अब कहीं रुकेंगे नहीं, नॉन स्टॉप ही जाएंगे जहाँ तक भी जाना होगा। वहाँ की चाय मंगवा ली है, तो फटाफट से चाय पीते हैं और इन नज़ारों को अलविदा कहने का टाइम आ गया। मन नहीं कर रहा, बट हाँ इस जगह से जब तक निकलेंगे नहीं तो दूसरी जगह तक जाएंगे कैसे। तो चलते हैं, विशाल रेडी है, सब रेडी हैं, बस चाय पीना है अब, चाय पी के निकलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ट्रैवल पार्टनर है ये वाओ बॉडी लोशन, जो कि हम जब भी ट्रैवल करते हैं हमें अपनी स्किन की केयर करनी होती है, और इसको आप नॉर्मली यूँ लगा सकते हैं, और आपके हाथ जो भी रुखे सूखे होंगे ना इतने स्मूथ हो जाएंगे ना आराम से। तो इसको आप कभी भी कैरी कर सकते हैं, बहुत ही पोर्टेबल है, और मैं रेकमेंड करूँगा आप वाओ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जब तक कि हमें मिलता नहीं है। ये वाले भैया मिलेंगे आपको, ये लोकेशन है, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, माउंट क्वीन होम स्टे एंड रेस्टोरेंट। अच्छा है इनका हिसाब किताब, खाने पीने का सब कुछ है, तो खाना पीना वैसे भी एक्सपेंसिव पड़ेगा, बट स्टे भी ठीक है। तो चलते हैं फिर इस जगह को, टाटा बाय बाय करते हैं। अपने होटल से भी निकले ही नहीं थे ज़्यादा दूर, और भाई साहब ये व्यू, स्नो पीक माउंटेन्स देख लिया था मैंने, तो मैंने लगा आपको दिखाता हुआ चलूँ। पूरी रेंज ना भाई साहब, मतलब पूरा इतना तगड़ा ना, क्या गजब का लग रहा है रियल में। तो यार जिस पे इस पे धूप पड़ रही है ना, ऐसा लग रहा है जैसे सोना जैसा कुछ होगा, बट बहुत अच्छा ब्यूटीफुल है। और इस रोड से अगर आप नीचे उतर के जाओ ना इस तरफ हो, तो यहाँ से ना जंगल कैंपिंग का भी है, तो मतलब अंदर से ना सारा हिसाब किताब है, अगर आपको जंगल में कैंपिंग वैम्पिंग करनी है तो सारा भी हिसाब किताब है। सो इट्स नाइस। तो चलते हैं अपने सफ़र पे, देखते हैं अगर टिहरी जाना हो तो टिहरी जाएंगे, अदरवाइज़ तो हम लोग यहाँ से सीधे
निकल जाएंगे अपना ऋषिकेश होते हुए किले। लेट्स गो 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 गो। ये पूरा एरिया है जहाँ पे कि एडवेंचर और आप रोप क्लाइंबिंग और वो देखो ये सारी एक्टिविटीज भी आप कर सकते हो अगर आप यहाँ पे आते हो, अगर आप शौकीन हो इन सब चीजों के लिए, साइकिल वाइकिल चला सकते हो रोप पे। तो ये बहुत सॉलिड सा बना हुआ और ये है विजय मिशन मठ विजय मिलन मठ। सॉलिड है यार ये सब मठ होटल वाले। इस एरिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग यही है। तो पहले अपना जो प्लान था ना वो था कि हम लोग टेरी होते हुए आराम से निकलेंगे, बट हुआ कि अगर दिल्ली पहुंचना है आज ही और शाम से पहले तो फिर आपको जो है ये वाला रूट लेना बहुत खतरनाक पड़ जाएगा, क्योंकि अब आप हो गए हो लेट, क्योंकि 11:30 बज गए हैं। तो इट्स बेटर कि टीरी को हम नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ देते हैं और वहाँ पर नेक्स्ट टाइम जाएंगे और कुछ चीज़ें छोड़ेंगे तभी तो दोबारा आ पाएंगे। तो टीरी नेक्स्ट टाइम करेंगे। और अभी हम लोग को जो रास्ता बताया था, हम लोग तो पहले ऋषिकेश वाले रास्ते जा रहे थे, बट भैया ने बताया कि आप उतना लंबा क्यों जा रहे हो, 50 किलोमीटर डिफरेंस आएगा, तो आप अगर मसूरी होते हुए निकल जाओ यहाँ से। तो अभी हम निकल गए हैं यहाँ से मसूरी के लिए, तो यहाँ से मसूरी जाते हैं और फिर मसूरी आपको दिखाते हुए अपना देहरादून होते हुए दिल्ली के लिए निकल जाएंगे मस्त सॉलिड। ऊपर जाके ना सुरकुंडा माता का मंदिर है, तो अब तो रोपवे भी चल गया है, तो अगर आप रोपवे से जाना चाहते हो रोपवे से चले जाओ, अगर आपको वैसे जाना है मतलब पैदल करके तो पैदल भी जा सकते हो, सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, थक जाएगा बंदा अगर वैसे जाएगा तो, बट सही है मतलब। और ऊपर में ना साइड में ना बर्फ भी गिरी हुई है, सुनो कुछ पैचेस हैं बर्फ, एक्चुअली कल रात में आपने देखा ही था मेरे पिछले ब्लॉग में कि थोड़ी बारिश वारिश हुई थी और थोड़े बहुत ओले गिर रहे थे, तो वो ओले जो हमारे पास गिरे थे यहाँ ऊपर में आके वो बर्फ बन गए थे। सही है यार, उसके साथ में उसको भी लेके गया भैया सुरकुंडा माता मंदिर के लिए, यहीं से रास्ता जाता है, ये देख लो जय माता सुरकुंडा की। भैया हम दूर से ही हाथ टेक लेते हैं, बाकी देखिए फिर आएंगे कभी मौका लगेगा तो, बुलावा दो तो फिर आते हैं कभी। हमारे जवान कमजोर हो गए, इनको हर महीने एक बार लेकर आना पड़ेगा, तब जाके सही होगा। ये तो है, थोड़ा सा भी लगे तो यार अपने लाइफ और हेल्थ के साथ रिस्क नहीं लेने का, फटाफट से गोली और हाजमोला और इनो पीने का और मस्त रहने का। बाकी ऐसे ही रुक गए थे हम लोग भी उन नज़ारों का आनंद लेने के लिए। अच्छा लग रहा है यार, मतलब ना बाहर में ना हवा हल्की सी ठंडी सी है और थोड़ी धूप पड़ रही है ना, तो अच्छा लग रहा है। बाकी तो वैसे क्या व्यू आ रहा है ना यार, अमेजिंग। सोचो यहाँ पे स्टे करने पे कितना मजा आएगा इस जगह पे। बाकी आशीष और विशाल उतरे हैं, कुछ टॉफी उफी ले रहे हैं। हमारा स्वागत हो गया है धनौल्टी में, वेलकम टू धनौल्टी। ये रास्ता जा रहा है, मस्त मौसम हो रहा है यार, क्या व्यू आ रहा है। इसी के साथ हम पहुंच गए धनौल्टी, बड़ी जल्दी पहुंच गए यार यहाँ से। तो धनौल्टी में अपना घूमो फिरो खाओ पियो, पार्किंग भी है यहाँ पे बनी हुई, अपनी गाड़ियाँ पार्क करो और आराम से यहाँ पे एंजॉय करो। मस्त आया धनौल्टी तो, क्या व्यू है यहाँ का, वाह क्या व्यू है। देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कितना अच्छा हुआ है, उस पाइप से लगा रखी है बॉटल, ये पाइप लगा रखी है, ये पाइप पूरा नीचे तक टंकी में डाल रखा है इन लोगों ने, फुल रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, दैट्स नाइस। कितना सुंदर लग रहा है ना ये वाला स्टे यार, एकदम अमेजिंग सा है यार, जिस तरह का डिज़ाइन है ना, अमेजिंग डिज़ाइन के साथ बनाया हुआ, ट्राइंगल शेप में और ग्लास का बहुत ज़्यादा यूज, बहुत अमेजिंग है। सामने से व्यू वो तो और भी अमेजिंग। एक साथ हम लोग मसूरी पहुंच गए हैं, मसूरी की झलक आपको आप लोगों को। ओह वाओ भाई साहब, कुछ दिनों मसूरी भी शिमला जैसा ही हो जाएगा पूरा, ऊपर से नीचे तक
घर ही घर हो जाएंगे, पूरा फुल पैक हो जाएगा। अच्छा इस बार हमें गूगल ने कुछ नया रास्ता दिखाया, ये सेंट जॉर्ज कॉलेज की तरफ से निकाला। भाई साहब क्या चढ़ाई थी, मतलब ढलान भी उतनी थी, मतलब उतरने वालों को ठीक है बट चढ़ने वालों के लिए तो बहुत भयंकर। नया है ऐसा। नींबू पानी के लिए रुके थे, 40 रुपए का एक गिलास नींबू। और इसी के साथ हम देहरादून सिटी में एंटर कर गए, बट बहुत अच्छा रास्ता था यार, मजा आया चलाने में यार। देहरादून से हरिद्वार वाला जो रास्ता है ना, वो इतना अमेजिंग है ना, मतलब हाईवे एकदम मस्त बनाया हुआ है। बस सिटी से नहीं, सिटी के ट्रैफिक से निकल जाओ, उसके बाद तो रास्ता मस्त है। 40 किलोमीटर है, फटाफट पहुंचते हैं हरिद्वार। और इसी के साथ हम लोग हरिद्वार पहुंच गए। हर की पौड़ी का कुछ ऐसा सा नजारा, आज तो खाली खाली सा लग रहा है, वीकडे भी है ना, उसके वजह से भी थोड़ा खाली है, बाकी तो अपना सफर चल ही रहा है। गजब कटराला है भैया इनका, गजब कटराला है। अभी जरा रुके हैं एक्सप्रेसवे पे ही मेरठ, अभी ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर के आसपास का होगा। एक्चुअली विशाल को गुड़ लेना था यहाँ से, इसकी दुकान से पहले भी, पापा को स्ट्रेच भी कर लेंगे वहाँ के, थोड़ा गाड़ी को भी रेस्ट मिल जाएगी इसी बहाने। वहाँ के हाईवे तो है ही जबरदस्त यार, साए गाड़ी निकलती है। टोली टोल, टोली टोल, बैक टू बैक टोल, इतने टोल ना खुल जा सिम से ये। और इसी साथ हम पहुंच गए अपने फेवरेट, चाय बनती है आपने देख ली, भैया चाय बना रहे हैं अंदर, चाय बन जाएगी तक। आशीष ने कुछ पकोड़े वकोड़े बोले, पकोड़े वकोड़े खाते हैं फटाफट से, फिर निकलते हैं यहाँ से क्योंकि हमें थोड़ा टाइम से घर पहुंचना है। ये पनीर के पकोड़े, पंडित जी के ढाबे पे ना कभी भी आ जाओ, सुबह आ जाओ, दोपहर आ जाओ, रात में आ जाओ, अब तक खैर लेट नाइट ही बंद कर देते हैं 12 बजे से लेकर सुबह 4-5 बजे तक, बट किसी भी टाइम आओ, भीड़ आपको हमेशा मिलेगी ऐसी। बस अब सनसेट भी होने ही वाला है बस कुछ देर में, आधा घंटा ज़्यादा, आधे घंटे बाद सनसेट हो जाएगा और हमें दिल्ली पहुंचने में अंधेरा हो जाएगा। माय गुडनेस भागो। और इसी के साथ हम लोग पहुंच गए हैं मेरठ एक्सप्रेसवे पे, एकदम ये तो एक्सप्रेसवे एकदम टॉपम टॉप एक्सप्रेसवे है। ओके विशाल बाबा, फिर मुलाकात होगी अगले ट्रिप पे। इसी के साथ इस टाइम्स टू से गुड बाय टू आशीष, अब अगले ट्रिप में फिर मुलाकात होगी, बाकी ऑफिस हम जाएंगे साथ में ना। यो तो जर्नी वाज नाइस, एक्चुअली मज़ा आया इस ट्रैवल में और इस पूरी सीरीज में, होप करता हूँ आपको ही मज़ा आया होगा। इसके अलावा देखो आज पूरे दिन का जो ट्रैवल था ना, वो थोड़ा हेक्टिक हो गया क्योंकि ना ट्रैफिक एंड ऑल ना, मतलब थोड़ा सा इसकी वजह से, अदरवाइज इट वॉज रियली नाइस। तो सबको टाटा बाय बाय कर दिया, मैं भी अपने घर पहुँच जाऊँगा 2 मिनट के अंदर और पेट्रोल भी सब कुछ हो गया है। तो इसी के साथ मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में, होप करता हूँ कोई वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना क्या अच्छा लगा क्या खराब लगा, और आपकी कोई भी क्वेरी होती है कहीं जाने से लेके, क्या मौसम है, कहाँ पे स्टे कर सकते हैं, ऑल दैट, वो सारी क्वेरी आप डाल सकते हो, विल रिस्पॉन्ड टू दैट। मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में, टिल द टाइम स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय। थक गया हूँ बहुत ज़्यादा यार, फटाफट से बाय बाय।